हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बिहार, सबने इस जगह के बारे में सुना तो जरूर होगा, बट टूरिज्म इन बिहार बहुत है भाई साहब। अगर आप बिहार घूमना चाहते हैं तो आपका राजगीर जाना बहुत जरूरी है। तो जनाब, कुछ दिन पहले की बात है, मैं गया था राजगीर, और आज की कहानी मेरे इसी सफर के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 फरवरी सुबह 6 बजे। तो अभी हमारा सफर शुरू होता है, 20 वक्त में हाजवा चौक पे और निकल रहे राजगीर के लिए। दरभंगा से राजगीर का रास्ता 5 घंटे का है, और इसके बीच में आता है 6-7 जिला। और हमारे साथ है हमारे ली भाई, तौसीफ भाई, जो कि पीछे आपको दिख सकते हैं, और काफी लेट हो चुका है। हम निकलने वाले थे 5 बजे सुबह में, बट अभी 6 बज चुके हैं, तो अब निकलते हैं। सफर करने के बाद हम रुके नाश्ते के लिए। लिट्टी चोखा खाने के बाद वापस हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। भैया जी, इस वक्त अभी हम गंगा नदी के ऊपर जो पुल है, गांधी सेतु, वो क्रॉस कर रहे हैं अभी, और अभी हम बस पटना पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं राजगीर, मतलब पूरा अभी टोटली पहुंचा नहीं है, अभी 2 किलोमीटर और भी बचा हुआ, और यहां से नजारे दिखने शुरू हो चुके हैं। पहाड़ जो है मुझे दिख रहा है। 5 घंटे सफर करने के बाद फाइनली हम पहुंचे राजगीर। राजगीर में आपका स्वागत है, वेलकम टू राजगीर। दरभंगा से तो निकले थे हम दो लोग, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तीसरा कौन है। तो जी हाँ, इन भाई का भी नाम तौसीफ है, जो कि इस पूरे ट्रिप पे हमारे साथ रहेंगे। राजगीर पहुंच के सबसे पहले हम गए जू सफारी। अब जिनको नहीं पता कि राजगीर जू सफारी क्या है, तो मैं बता दूं, जू सफारी के अंदर लोग शेर बाघ जैसे जानवर को बंद गाड़ियों में बैठकर करीब से देख सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे राजगीर जू सफारी, और इसका जो टिकट है अभी सारा बंद हो चुका, मतलब काउंटर वगैरह, क्योंकि टिकट जो है 1000 टिकट का यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, और 1000 टिकट जो है वो निकल चुका अभी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, और कल सुबह में वापस आएंगे दोबारा। 1000 टिकट सोल्ड हो जाने की वजह से हमें टिकट नहीं मिल पाया, तो फिर हम गए मनियार मठ। ये आप लोग जिस प्राचीन हिस्टोरिकल प्लेस को देखना है, इस जगह का नाम है मनियार मठ। मनियार मठ का साधक तब होता है मनी धारण करने वाला इच्छाधारी नागरिक, जो एक इच्छा का। लेकिन ये राजगिरा जो आप लोग भ्रमण कर रहे हैं विद्यार्थी, ये मगध की राजधानी थी, और यहाँ का राजा का नाम था जरासंध। जरासंध ने ही इस मंदिर का निर्माण द्वापर काल में किए थे, ये समथिंग 5000 ओल्ड टेम्पल। लेकिन मगध नरेश राजा जरासंध के मृत्यु के बाद ये मंदिर मिट्टी के अंदर में ढक गया। जब यहाँ की खुदाई 1862 में लॉर्ड कार्निवन करवाए, तो ये बेल टाइप का मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर के भीतरी पार्ट से मां मनसा का प्रतिमा और एक ग्रुप सपोर्ट पाया गया, जो सरपंच डायनेस्टिक में काम होता है। लेकिन ओपन साइट होने के कारण यहां से निकाल कर पुरातत्व डिपार्टमेंट वालों नालंदा का संग्राम, भीतर में मां का पवित्र स्थान। मनियार मठ घूमने के बाद हम गए सोन भंडार। तो भैया जी, इस वक्त हम आ चुके हैं सोन भंडार के पास, और ये हमारे पीछे सोन भंडार है। अब चलते अंदर, देखते हैं कैसा है। तो भैया जी, अभी हम आए सोन भंडार, और ये हमारे पीछे सोन भंडार है, और कहा जाता है कि इसमें जो है ना, राजा ने अपने जमाने पहले जमाने में बहुत सारा सोना छुपा के रखा था। तो फिलहाल अभी तो वो किसी के हाथ लगा नहीं, और हमारे हाथ भी कुछ लगना है नहीं, तो अब चलते हैं, देखते हैं, बस देख के ही आते हैं। भैया जी, इस वक्त हम हैं सोन भंडार के अंदर, और यहाँ पे तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कहा जाता है कि राजा ने यहाँ पे जो है
बहुत सारा सोना छुपा के रखा था, बट यहाँ पे कुछ देखने को तो मिल नहीं रहा है, बट देखते हैं स्टिल थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा है, बट यहाँ पे एक भैया जो है वो यहाँ पे कुछ जानकारी देते हैं इसके बारे में। रंगों का भंडार है, जैन गुरुओं का साधना गिरी है, खजाना रह भी सकता है। थैंक यू। राजीव का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।